एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए साल 2020 काफ़ी बुरा साबित हो रहा है। बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान के निधन के बाद अब भोजपुरी सिनेमा के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा का निधन हुआ है। धनंजय मिश्रा भोजपुरी सिनेमा के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया था। मनोज तिवारी को बनाने में धनंजय की बड़ी भूमिका मानी जाती है। रिंकिया के पापा गाना धनंजय ने ही कंपोज किया था। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ज़्यादातर गाने धनंजय ही कंपोज करते थे। उनके निधन की खबर से फैंस को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुंह से अचानक खून आने लगा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके निधन की खबर पर खेसारी लाल यादव खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, आज उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है और वो उनके घर गए हैं, उनके परिवारजनों से वो मिले हैं, काफ़ी फूट फूट कर रोए हैं, काफ़ी करीबी बता रहे हैं वो म्यूज़िक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा को। जी हाँ, खेसारी लाल यादव काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं उनके निधन से। हम भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।